नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर। आज 15 अगस्त है, देश स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। आपके सामने जो राष्ट्रीय ध्वज दिख रहा है, यह स्टेशन के ठीक सामने लगा राष्ट्रीय ध्वज है। इसकी चमक आपको कुछ ज़्यादा लग रही होगी, क्योंकि आज स्वतंत्रता दिवस जो है 75वीं वर्षगांठ पर उल्लास का माहौल पूरे ज़िले में देखा गया। भले ही बाढ़ की वजह से कुछ इलाके परेशान हो, बावजूद इसके जब मामला स्वतंत्रता दिवस और देश के स्वाभिमान का हो, तो फिर उल्लास में कहाँ कमी रहनी थी। आपको हम बता दें, प्रतिवर्ष जिला प्रशासन मुख्य समारोह आयोजित करता है। इसकी शुरुआत कवलदा स्थित शहीद स्मारक से होती है। आप देख पा रहे हैं, यहाँ आज किला में ध्वज फहराए जाने से पहले सभी पदाधिकारी पहुँचे और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। जिले के पुलिस कप्तान नीरज कुमार सिंह अभी आपकी नज़रों के सामने हैं। सबसे पहले वही शहीद स्मारक पहुँचे, हालांकि उससे पहले ही जिला प्रशासन ने यहाँ की साफ सफाई और साज सज्जा करा ली थी। आप देख पा रहे हैं, SP नीरज कुमार सिंह शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, उन्हें नमन करते हुए। आप भी इस नज़ारे को देख लें और शहीदों को याद जरूर करें। अभी आपके सामने दृश्य में जिलाधिकारी अमन समीर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, इसी कड़ी में उनके साथ जिले के तमाम अधिकारी वहां पहुंचे थे। अभी इनके पीछे DDC योगेश कुमार सागर, आप भी एक IAS पदाधिकारी हैं जो यहां प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इनके उपरांत अपर समाहर्ता जिला परिवहन पदाधिकारी मनोज कुमार एवं जिले के अन्य पदाधिकारियों ने बारी बारी से श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसमें सदर SDO के उपाध्याय भी यहाँ नज़र आए। अब यहाँ से आपको हम लिए चलेंगे किला मैदान, जहाँ सुबह 9 बजे मुख्य समारोह में जिलाधिकारी पहुँचे, उनके साथ SP DDC बक्सर के सदर विभाग संजय तिवारी मुन्ना तिवारी सभी लोग वहाँ उपस्थित थे। एक नज़ारा किला मैदान से, स्वतंत्रता दिवस समारोह की झलकियाँ अभी आप देख पा रहे हैं बक्सर खबर पर। जिलाधिकारी का काफिला शहीद स्मारक से सीधे किला मैदान पहुंचा, जहां मुख्य समारोह वर्षों से आयोजित होता रहा है। आप इस दृश्य में देख पा रहे हैं, जिला पदाधिकारी अमन समीर मुख्य मंच पर पहुंच चुके हैं। राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाने से पहले सभी पदाधिकारियों ने झंडे को सलामी दी। इस दौरान किला मैदान में परेड के लिए जिला पुलिस सैप एवं गृह रक्षा वाहिनी आदि के जवान पहले से मौजूद थे। SP नीरज कुमार के साथ जिलाधिकारी अमन समीर इसका निरीक्षण करने गए। आपकी नज़रों के सामने यह दिख रहा है, ध्वज अभी फहराया नहीं गया है, क्योंकि उसका समय अभी पूरा नहीं हुआ है। यहाँ से दोनों पदाधिकारी सज धज कर तैयार खड़ी जिप्सी पर बैठकर खड़े होकर परेड का निरीक्षण करने किला मैदान में गए, जहाँ पहले से तैयार जिला पुलिस के जवानों ने इन पदाधिकारियों को सलामी दी, तिरंगे को सलामी दी। फिर यह समारोह अपने अंतिम स्वरूप की तरफ आगे बढ़ा। हालांकि इस बार कोविड की गाइडलाइन को देखते हुए किसी तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन जिले में नहीं किया गया है। पिछली दफ़े भी स्वतंत्रता दिवस में कोविड की महामारी का असर था, आपको ज्ञात ही होगा। इस वजह से 15 अगस्त को होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम पर पिछले साल से ही एक तरह से पाबंदी सी लग गई है, क्योंकि कोविड गाइडलाइन में अधिक भीड़ जमा करना प्रशासनिक अधिकारियों को इसकी अनुमति नहीं है, उन्हें ही नहीं किसी को भी इसकी अनुमति नहीं है। फिलहाल आपके सामने दृश्य में परेड का निरीक्षण करते पदाधिकारी, इसके उपरांत किला मैदान के मुख्य मंच पर स्वतंत्रता दिवस समारोह 2021 इस बोर्ड पर लिखा हुआ है, सामने आप पदाधिकारियों को देख रहे हैं। यह अवसर है जब जिलाधिकारी अमन समीर अब तिरंगा फहरा रहे हैं। एक बार आप भी इस तिरंगे को अवश्य सलामी दें। हालांकि जैसे ही ध्वज फहराया गया, जनगण मन अधिनायक जय है, स्वतंत्रता दिवस अथवा गणतंत्र दिवस के दिन जैसे ही ध्वज फहराया जाता है, यह राष्ट्रीय गान गाने की परंपरा है। और इसके पीछे यह नियम भी निर्धारित है कि जब ध्वज फहराया जाए अथवा राष्ट्रीय गान का गान शुरू हो, लोग खड़े हो जाते हैं। इसी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ के दृश्य की ध्वनि को बंद कर रखा है, अन्यथा हम उसे भी आपको अवश्य सुनाते। पता नहीं कौन से पाठक किस अवस्था में बैठकर इस दृश्य को देख रहे हैं, किसी की मर्यादा भंग न हो, इसीलिए हमने ऐसा किया है।
मुख्य समारोह में ध्वज को सलामी देने के बाद सभी पदाधिकारी अपनी जगह पर बैठ गए। जिला पदाधिकारी ने अपने संबोधन को शुरू किया। उन्होंने विकास कार्यों की चर्चा की। सबसे पहले उन्होंने कहा, हमारा नमन उन शहीदों को जिनकी वजह से हम यह स्वतंत्रता दिवस समारोह मना पा रहे हैं। आप सभी को 75वीं स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। आप यहां उनका 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन की ओर से सभी बक्सरवासियों को बहुत शुभकामनाएं। हम लोगों का संकल्प यही है कि बक्सर को हम लोग नई ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। उसमें हम लोगों का प्रयास ये रहेगा कि सभी लोगों का उसमें पार्टिसिपेशन हो, सभी लोग उसमें सहभागी बने। और हम लोग का प्रयास यही रहेगा, खासकर जो युवाओं हैं, युवाओं से हम लोगों का अनुरोध रहेगा कि जो भी उनके इंडिपेंडेंस जो वो मनाते हैं, तो इंडिपेंडेंस के साथ जो एक कर्तव्य होती है, तो कर्तव्य को भी वो पहचाने और उस कर्तव्य को पहचानते हुए देश की प्रगति में अपना हाथ दें। सर, एक सवाल। अभी आपने जिलाधिकारी अमन समीर की बातें सुनी। हुए बता रहे थे युवाओं को अपने कर्तव्य का बोध भी होना चाहिए, तभी राष्ट्र का सही उत्थान होगा। स्कूल बंद है, इसलिए अधिकांश छात्र इन दिनों घर पर ही हैं। आप देख पा रहे हैं किस तरह से बच्चे आज अपने घरों में, परिवार में एवं अपनी सोसाइटी के कैंपस में स्वतंत्रता दिवस उत्सव मना रहे हैं। बच्चों में इसको लेकर खासा उत्साह रहता है। आप भी जब अपने बचपन को याद करेंगे तो आपको स्वतंत्रता दिवस समारोह की वो धमा चौकड़ी और तिरंगे की सलामी जरूर याद आएगी। आप देख पा रहे हैं चरित्रवन के आचार्य इनक्लेव सोसाइटी के बच्चे किस तरह स्वतंत्रता दिवस समारोह एक साथ एकत्र होकर मना रहे हैं। बच्चों में इसको लेकर खासा उत्साह रहता है। हर जगह यह चीज़ देखने को मिलती है। यह सारे दृश्य अभी तक जो आप देख पा रहे थे यह बक्सर जिला मुख्यालय से संबंधित है। अभी हम यहाँ से डुमराव की तरफ रुख करेंगे, उससे पहले इन बच्चों के नारे भी आप सुन लें। इसके अलावा डुमराव मंडल मुख्यालय पर भी मुख्य समारोह राज हाई स्कूल के खेल मैदान में आयोजित होता है। आप यहां देख पा रहे हैं डुमराव के अनुमंडल पदाधिकारी हरेंद्र राम एवं डुमराव के SDPO के सिंह मुख्य समारोह में यहां उपस्थित हैं। ध्वज को सलामी देते हुए यह दोनों पदाधिकारी राज हाई स्कूल परिसर में प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस के समारोह डुमराव में आयोजित होते हैं, इसी की झलकियाँ। हालांकि यहाँ भी कार्यक्रम सीमित ही आयोजित हुआ, क्योंकि कोविड गाइडलाइन के कारण कम लोगों को आमंत्रित किया गया था। इसके उपरांत पुराना भोजपुर के मध्य विद्यालय में आज अभियान विश्वामित्र के तहत पुस्तकालय का शुभारंभ हुआ। जिलाधिकारी अमन समीर, SP नीरज कुमार सिंह, DDC योगेश कुमार सागर जिला मुख्यालय से सीधे पुराना भोजपुर पहुँचे। यहाँ के विद्यालय में पुस्तकालय का शुभारम्भ हुआ है। अभियान विश्वामित्र जिलाधिकारी की विशेष सोच का परिणाम है। इसके तहत दान में ली गई पुस्तकें अथवा ऑनलाइन माध्यमों से जिन लोगों ने पुस्तकों का दान किया है उसके सेट यहां उपलब्ध हैं। वैसे छात्र जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं अथवा UPSC एंड BPSC की तैयारी से जुड़े हैं वे इन पुस्तकालयों का लाभ ले सकते हैं। बीते दिन MP हाई स्कूल बक्सर में भी इस तरह के पुस्तकालय का शुभारंभ जिला पदाधिकारी अमन समीर ने किया था। आज उसी कड़ी में डुमराव अनुमंडल के पुराना भोजपुर स्थित मध्य विद्यालय में इस पुस्तकालय का शुभारंभ हुआ है। जिलाधिकारी ने अपने संबोधन में यह कहा कि प्रत्येक पंचायत स्तर पर इस तरह के पुस्तकालय की स्थापना की जा सकती है। यह सब कुछ जन सहयोग से हो रहा है। वैसे लोग जो पूर्व से प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हों, वे सफल हो गए हों, वे अपनी पुस्तकों का दान यहाँ अवश्य करें, क्योंकि इससे आने वाले युवाओं को मदद मिलने वाली है। जिलाधिकारी को इस प्रयास के लिए धन्यवाद देना होगा, क्योंकि उनकी वजह से ही कुछ दिन पहले MP हाई स्कूल में और आज पुनः डुमराव अनुमंडल के पुराना भोजपुर में इस तरह के पुस्तकालय का शुभारंभ हो सका है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर आज तैयार विशेष झलकियों के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपको समाचार बुलेटिन के साथ। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।